अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो कि इसी कैटेगरी के अंदर आ रही हैं, जो कि आपके पास होनी ही चाहिए। तो इसमें पहली चीज़ तो भैया बता दें कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है सिट्रीजीन। तो सिट्रीजीन जो है वो ज़्यादातर यूज की जाती है एलर्जी में, तो ये मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए, सस्ती सी मेडिसिन है तो होती भी है। सिट्रीजीन के साथ में एबिल भी रख सकते हैं, अगर किसी को ज़्यादा शिकायत देखने को मिल रही है एलर्जी की तो उसको हम लोग एबिल भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लें कॉमन कोल्ड की, तो कॉमन कोल्ड भी एक प्रकार की एलर्जी होती है, तो कॉमन कोल्ड में भी हम लोग सिट्रीजीन दे सकते हैं, फेनरामिन मैलिएट मतलब इबिल दे सकते हैं, एंड ज़्यादातर जो इसमें दिया जाता है वो विकोरिल दिया जाता है। विकोरिल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हल्का सा पैरासीटामॉल एंड फेनरामिन हाइड्रोक्लोराइड होती है और क्लोरफेनरामिन मैलिएट भी होती है। तो कहने का मतलब ऐसे बंद नाक में ये जो थोड़ा सा फ़ायदा करती है, तो ये मेडिसिन भी आप दे सकते हैं कॉमन कोल्ड में। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे देखते हैं कि कुछ और दूसरी मेडिसिन जो कि ओमेटिंग और गैस के लिए है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ओमेटिंग के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है किसी पेशेंट को उल्टी हो रही है, तो उसे ओनेसेट्रॉन 4 mg की टैबलेट्स आती हैं, तो आप इसको दे सकते हैं, कोई भी कंपनी की दे सकते हैं, वो भी काइंड आती है इसकी, तो उसको दे सकते हैं या कोई दे सकते हैं। डोमपेरिडोन डीटी दे सकते हैं, ये दो मेडिसिन में से एक मेडिसिन दी जाती है ओमेटिंग के लिए। पहले हम लोग डोमपेरिडोन देते हैं, ये डिस्पर्जेबल टैबलेट सही नहीं होता है तो ओनेसेट्रॉन भी दे सकते हैं, या फिर कोई भी आप पहले दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें गैस की, जो कि एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, तो अगर किसी भी पेशेंट को गैस है या कोई ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जिससे कि गैस बन सकती है, तो उस टाइम पे हम लोग रैंटिडीन टैबलेट देते हैं, जो कि जेंटेक, रैंटेक, एसीलॉक इन सब के नाम से आती है। एक कॉमन सी मेडिसिन है जो कि दिया जाता है पेशेंट को, सस्ती सी मेडिसिन है अक्सर दवाओं के साथ में, कि दवाएं जो हैं गैस ने बनाए उसके लिए दी जाते हैं, या फिर वैसे भी गैस है तो दिया जा सकता है। और कोई रेगुलर गैस का पेशेंट है तो उसको पेंटोप्राजोल दी जाती है। पेंटोप्राजोल की बहुत सारी कैटेगरी आती है, पेंटोप्राजोल DSR आती है एंड SR आती है एंड पेंटोशेक के नाम से आती है, पेंटोप डी के नाम से आती है, बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं, आप कोई भी ब्रांड्स रख सकते हैं। थोड़ी सी अच्छी मेडिसिन होती है पेंटोप्राजोल। तो ये तो हो गई ओमिटिंग और गैस की। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और बात कर लेते हैं कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन की। तो एंटीबायोटिक सबसे इम्पॉर्टेंट होती है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, क्योंकि यही जो है ज़्यादातर अक्सर बीमारी को ठीक करने का काम करती है। इसमें हम लोगों ने 4 एंटीबायोटिक लिया है, जिसमें सबसे पहला है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आपके पास होना चाहिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ठीक करता है। एंड जो ज़्यादातर यूज किया जाता है वो होता है एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेविनेट, तो ये मेडिसिन भी आपके पास होनी चाहिए, ये भी दिया जाता है कई बार। एंड ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल ज़्यादातर ये भी दिया जाता है, ये भी आपके पास होना चाहिए। और लास्ट में सिफिक्जीम आपके पास होना चाहिए। ये 4 एंटीबायोटिक तो बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा भी थोड़ा बहुत रख सकते हैं, पर ये ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि कॉमनली यही सब यूज़ की जाती है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कुछ दूसरी मेडिसिन जो कि मिसलिनियस हैं, जिसको आपको अपने पास रखने चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है बी कॉम्प्लेक्स, आपके पास होना चाहिए। बी कॉम्प्लेक्स में बीकास्टूल आता है और इससे बहुत सारी जो है मेडिसिन होती हैं, आपको नॉलेज होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। ये मेडिसिन जैसे मुँह के छाले में दी जाता है या बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई है, ठीक है, उस टाइम पे दिया जाता है। तो ये तो बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट आपके पास होनी चाहिए। दूसरी आइसोसॉर्बिक डाइनाइट्रेट टैबलेट आपके पास होना चाहिए, जो कि हार्ट अटैक, हार्ट पेन में होना चाहिए। अगर आपका मेडिकल है तो उस पर ये मेडिसिन जरूर से ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक टैबलेट जो होती है लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। ये अगर किसी को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ गया है, तो एक टैबलेट अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता, एक टैबलेट खिला देंगे तो वो बच जाएगा, तो आप उसको हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं। अगला एनिमा ज़रूर होना चाहिए आपके मेडिकल स्टोर पे, आपके अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है। जब किसी को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत होती है तो उस टाइम पे एनल कैनाल में जो है आपको ये एनिमा लगाना होता है, जिससे वो उसका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाए। तो बड़ों में एनिमा होता है, छोटों में ये ग्लिसरीन सपोजिटरीज के फॉर्म में आती हैं। तो कहने का मतलब वही होता है, सेम चीज़ एक चीज़ तरह होता है, पर ये ग्लिसरीन इसमें होती है तो एलर्जी होने का खतरा कम होता है, और छोटे बच्चे के अंदर इसको लगाया जाता है सेम काम के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। दोस्तों लास्ट में यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक भूख अगर नहीं लगती किसी पेशेंट को, खाना नहीं पचता है और खाने में प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं खाया जाता है, तो उस टाइम पे एक जो है सिरप दिया जाता है पेशेंट को, जो कि ये दिया जा सकता है, जो आपके पास होना चाहिए, जिसमें कोई भी ब्रांड आप रख सकते हैं। पर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो सिप्रोहेप्टाडिन ट्राइकोलिन सिट्रेट सॉर्बिटॉल इसका नाम होता है। अगर आप ध्यान दें तो एक प्रकार का ओरल सॉल्यूशन होता है जो कि पेशेंट के लिए दिया